ये तो आप भी जानते हैं कि आजकल के जो मंत्री होते हैं वह सब के सब कम पढ़े लिखे और चोर उचक्के ही होते हैं। ऐसे मंत्री का अर्थ ही होता है कि जनता का खून चूसना और अपना पॉकेट भरना। गरीबों का मसीहा सोनू सूद जो अपने दम पर निस्वार्थ भाव से हर जरूरतमंदों को मदद करते आ रहे हैं, और हमारे देश के कुछ महान नेता और सीबीआई मिलकर उनके घर पर इनकम टैक्स का रेड मारते हैं और उनको मिला क्या घंटा। ऐसे गधों को कौन समझाए कि सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स का रेड मारने के बजाय अगर आप मंत्री और दलालों के घर पर रेड मारते तो शायद आज हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी नहीं होता। अब जरा दिमाग पर जोर डाल के सोचिए कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य जो मंत्री है अगर वह सोनू सूद जैसा काम करते और सोचते तो क्या हमारे देश में आज बेरोजगारी होता? क्या हमारे देश में आज गरीबी होता? क्या हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता था? भाई, मैं तो सोनू सूद सर के काम से बहुत खुश हूँ। अगर वह बोले तो मैं उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए हाजिर हूँ। मैं सोनू सूद सर को सपोर्ट करता हूँ, क्या आप भी सपोर्ट करते हैं? सोच बदलो और देश बदलो। भाई, मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।